डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एनी आ सत्य हकीकत छे, कथा छे कि भारत स्वतंत्र थयुं त्यारे लोहियाजी पार्लामेंटना सदस्य हता अने खूब सारा पार्लामेंटेर गणाता हता। ए लोहियाजी हाईवे पर गाड़ी चलावता हता अने आगळनी गाड़ी साथे एक्सिडेंट थई गयो। ए गाड़ीनो ड्राइवर बहार आव्यो अने क्रोधमां बोल्यो कि अरे मूर्ख अंध, तारी गाड़ीनी आगळ कोई छे? तारी गाड़ीनी आगळ कोई छे तने देखातुं नथी? जाने जंगली कूतरो पाछळ पड्यो होय एम तू गाड़ी चलावी रह्यो छे। दुष्ट जड़बुद्धि। ए ट्रक ड्राइवर हतो। ए लोहियाजीने गाड़ो बोलतो हतो। डॉक्टर लोहियाए क्षमा मांगी छता पण तेनो रोष ओछो न थयो। ए जोर जोर थी बूमो पाड़वा लाग्यो अने तेणे कह्युं कि हूँ पोलीस ने बोलावी लावुं छुं, तू अहीं रहेजे, अहींथी खसतो नहीं। ते ड्राइवर पोलीस ने बोलावा गयो। लोहिया एनी राह जोता त्यां ज ऊभा रह्या। त्यां आवता जता लोकोए तेमने चालिया जवा कह्युं परंतु ते खस्या नहीं। एक कलाक पछी ए ड्राइवर एकलो पाछो आव्यो। पोलीसवाड़ाओने गाड़ो बोलतो हतो क्योंकि पोलीस हारे नहीं आवी होय। लोहियाए कह्युं कि दोस्त, पोलीस ने गाड़ो न दे, तारी इच्छा मने सजा करवानी हती ने? तो कि हाँ चोक्कस तने ज करवानी हती। तो पछी मने सजा कर दोस्त, हूँ दंड भरवा तैयार छू। अरे तमे तो भला आदमी छो, साचे ज तमे तो मारे माटे एक कलाक राह जोई ए सजा थई गई। मारा प्रिय भाई, मने तो कल्पना ज न हती के तमे अहीं रोकाशो। हवे आ ड्राइवर ऊपर केटली बधी असर थई के रोहियाजीए सामे कीधुं के तू मने सजा कर, भले पोलीस न आव्यो अने हूँ दंड भरवा तैयार छु। આવી મિત્રતા દાખવી તો સામેવાળા ઉપર કેવી અસર થઈ કે તમે ભલા આદમી છો, સાચે જ તમે તો મારે માટે એક કલાક રાહ જોઈ, કેમ કે ભાગી ના ગયા ત્યાં ને ત્યાં રહ્યા અને એ તમે રાહ જોઈ એ જ સજા થઈ ગઈ કે છે। મારા પ્રિય ભાઈ, મને તો કલ્પના જ નહોતી કે તમે અહીં રોકાશો। લોહિયાએ ઈચ્છ્યું હોત તો તે પોતાનો પરિચય આપી અને એને ધમકાવી શક્યા હોત। એ પોતે પણ બે ચાર ગાળો બોલી શકતા હતા, પરંતુ તેઓ વિદ્વાન હતા, સમજદાર હતા, તેમણે ગાળોની સામે મૌન ધારણ કર્યું। આ એક વાત થઈ।